हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। अभी हम जाएंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जाने के बाद में आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का हम जो बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो एक्चुअल कैसे काम करता है, हम लोग कैसे ट्रैक करके उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्क करके हम फिर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी स्टॉक में पहले ट्रेडिंग व्यू में चले जाएंगे। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेंगे क्रोम में जाके। तो tradingview.com ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमें चार्ट में जाएंगे। अगर किसी का लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन आप गूगल क्रोम में कर सकते हैं, गूगल अकाउंट डाल के फिर लॉगिन कर सकते हैं आप डायरेक्टली। उसके बाद में हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में मैं आज जिस स्टॉक के बारे में भी बात करूँगा वो कोई स्टॉक मेरा रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का। मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताना चाह रहा हूँ, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का। ये मेरा बड़ा डिस्क्लेमर है इसके लिए। अभी हैवेल्स का चार्ट पैटर्न में चले जाएंगे। हम उसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिस स्टॉक के हमारा जो पैरामीटर है, जो क्राइटेरिया है, जो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो क्राइटेरिया में वो फिट बैठता है उसी कंपनी को ही हम सिलेक्ट करेंगे। उसी कंपनी में ही हम लोग स्विंग ट्रेड, जो भी ट्रेड रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी रहेगा, जो भी ट्रेड हमें करना है तो उसी मतलब क्राइटेरिया जब फिट होगा उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं। हम क्राइटेरिया कैसे हम मतलब फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, उसका जो भी सारा पैरामीटर हम करते हैं वो सब आप चेक कर लीजिए। उसके लिए और एक वीडियो दिया हुआ है, मैं उसका लिंक वीडियो में दे दूंगा इस लिंक का। तो वो लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कौन सी कंपनी में हम ट्रेड करेंगे बोल के। ठीक है, तो अभी उससे पहले अब पहले चले जाएंगे चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, अभी जाएंगे हैवेल्स में। तो यहाँ पे हमें RSI नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, तो इसलिए उसको सब हाइड कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो आई मार्क है, आई मार्क पे यहाँ पे जो अगर क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे RSI भी हाइड हो गया, तो हमें अभी इसको भी हाइड करना है RSI। तो RSI हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मार देंगे तो यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे क्रॉस डिलीट कर दिए तो वो चला गया। ठीक है, अभी हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि एक्चुअल रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। आप कोई भी चार्ट देखेंगे, चार्ट आने के बाद में आप एक मार्क कर देंगे। कैसे मार्क करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टॉक एक बार आएगा जहाँ पे आके डाउन पे टच करने के बाद में, डाउन ट्रेंड में जब आता है, जब ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है आने के बाद में, जहाँ से वो रिवर्सल देता है उसके बाद में अगर सेकेंड टाइम वहाँ पर आता है तो वो हमारा सपोर्ट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टॉक गया तो यहाँ पे जाने के बाद में सब बुलिश कैंडल है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक में ये जो ग्रीन कलर होता है ये बुलिश कैंडल माना जाता है, और ये जो ग्रीन जो रेड कलर होता है ये बियरिश कैंडल है। कैसे मैं बताता हूँ उसके बारे में, आप देखिए ये जैसे कैंडल होता है, कैंडल में ये जो डाउन जो प्राइस है, तो यहाँ पे जो डाउन है ये जो पतला सा एक वीक निकला हुआ है उसको वीक बोलते हैं, वीक। तो यहाँ पे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो निकलता है पतला सा वो वीक्स बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जब जाएंगे, यहाँ पे ये उसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस क्या है, ओपनिंग प्राइस उसका है यहाँ पे 1160। यहाँ पे उसके कैंडल के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे आपको ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सब पता चल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे टॉप में लिखा जाता है ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है। यहाँ पे सीधा अगर क्लिक करेंगे उसके सीधा आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ऊपर देखिए टॉप में लिखा हुआ है, इसका हाई है 1196, जो वीक्स निकला हुआ 1196 पे हाई मार के निकला। उसके बाद में उसका लो लगाया 1096 का। उसके बाद में क्लोजिंग प्राइस रहा 1105, हाँ, और उसका जो हाई प्राइस रहा, इसका जो हाई प्राइस है 1196, इसको बियरिश कैंडल बनाया जाएगा। जो रेड कलर का कैंडल होता है वो बियरिश कैंडल होता है, तो मतलब यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया, मतलब बायर सेलर्स में लड़ाई हुआ, यहाँ पे सेलर्स वाला हैवी पड़ गया, मतलब बायर्स वाला कम थे तो यहाँ पे सेलर्स वाला हैवी पड़ गया। तो यहाँ पे ये बियरिश कैंडल है, ये ग्रीन कलर वाला जो है ये बुलिश कैंडल इसको माना जाता है, इसको बोलते हैं हम बुलिश कैंडल। ये जो ये एक दिन का कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल में क्या होता है, पहले ओपनिंग प्राइस होता है, जहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे खरीदना बेचना स्टार्ट होता है, उसके बाद में फिर प्राइस क्लोजिंग होता है उसके ऊपर में, और जहाँ पे ओपन होने के बाद में जब नीचे क्लोजिंग होता है उसको बियरिश बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बुलिश में क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस से अगर ऊपर जाके ओपनिंग प्राइस से जब जाके ऊपर जाके क्लोज होता है तो उसको बुलिश कैंडल माना जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर होता है बुलिश और ये रेड कलर होता है बियरिश। ठीक है दोस्तों, अभी एक छोटा सा मतलब वहाँ पे चार्ट पैटर्न अभी देखेंगे। चार्ट पैटर्न में जाके
अभी मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कैसे हम लोग मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आके एक बार यहाँ पे टच कर लिया, बियरिश पैटर्न स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जब आया, आने के बाद में यहाँ पे विक्स निकला, निकलने के बाद में फिर उसके बाद में बुलिश हो गया, ऊपर जाना चालू हो गया। ऊपर जाने के बाद में कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। यहाँ पे जाने के बाद में फिर नीचे आया है, तो यहीं पे और एक मार्क कर देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे ऐसे लाइन लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप में हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे, दो ड्रॉ कर लेंगे लाइन। दो ड्रॉ ड्रॉ करने के बाद में लाइन को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये हमारा सपोर्ट प्राइस है। यहाँ तक जब आएगा शेयर तब हम परचेज करेंगे, जब ऊपर तक जाएगा तब हम सेल करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो इसी बेस पे हमने वेट किया है, यहाँ पे जब रिवर्सल मारा उसके बाद में हम लोग वेट किए। यहाँ पे जब यहाँ पे नीचे आएगा तब परचेज करेंगे। जब आया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जैसे आ गया 992 पे हम परचेज कर लिए होते, ठीक है। उसके बाद में फिर भी नीचे गया, 973 तक गया, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। 1-2% नीचे चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें कभी भी लॉस में सेल करना नहीं होता। हमें ओनली जब प्रॉफिट होगा तभी सेल करेंगे, नहीं तो डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ये ग्रेट कंपनी है, ये कंपनी में कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए कंपनी हमने ऐसा सिलेक्ट किया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने बाई कर लिए होते, ठीक है। तो यहाँ पे बाई करने के बाद में क्या होता, तो सेल का टारगेट के लिए हम इंतज़ार करते। सेल का टारगेट के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे हमें सेल का टारगेट देखना था। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में डेट और रेंज ले लेंगे। यहाँ पे हमने बाई कर लिए, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट यहाँ पे रहेगा जो लाइन ड्रॉ हुआ है ऊपर रेजिस्टेंस का। ये सपोर्ट प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट है, जहाँ पे आके बार बार सपोर्ट ले रहा है, और रेजिस्टेंस है जहाँ पे जाके रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके रेजिस्टेंस तक का अगर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 36 कैंडल है, 9% गेन, 36 दिन के अंदर में 9% गेन मिल रहा है, ठीक है। फिर और एक बार देखेंगे फिर कब आया है, फिर यहाँ पे देखें, वहाँ पे परफेक्ट वहाँ पे टारगेट हिट हो गया। हमारा जीटीटी हमने सेट किया हुआ था, तो जीटीटी कैसे सेट करते हैं उसका भी वीडियो है, उसका भी वीडियो लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। जीटीटी सेट करके रख देंगे, वो अपने आप वहाँ पे सेल हो जाएगा जब प्राइस आ जाएगा। तो उसके बाद में सेल होने के बाद में फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर वहाँ पे आया, फिर उसी लेवल पे आएगा। हम लोग फिर इंतजार करेंगे वहाँ पे जब आएगा। हमारा तो यहाँ पे सेल हो गया, सेल होकर हमारा डीमैट अकाउंट में पैसा आ गया, तो हम लोग इंतजार करेंगे फिर कब आ रहा है। तो फिर 3-4 डेज के बाद में फिर नीचे आ गया, उसी सेम पॉइंट पे आ गया। तब हमने इस यहीं पे बाय कर लिए होते, यहाँ पे हमने बाय कर लिए होते, फिर हम लोग इंतजार करते कब टारगेट हिट होगा। टारगेट हमने लगाया हुआ है जीटीटी, जीटीटी कैसे लगाते हैं आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग फिर इंतजार किए, यहाँ पे देखिए 10 डेज 8.5% गेन, ठीक है, 10 डेज 8.5% गेन। उसके बाद में फिर हम लोग इंतजार किए, इंतजार करने के बाद में जब हमारा प्राइस आएगा तब भी बाई करेंगे, उससे पहले हम बाई कभी भी नहीं करेंगे। तो हम इंतजार किए, यहाँ पे बाई प्राइस आ गया, तो यहाँ पे हम बाई कर लिए होते, फिर हम लोग इंतजार करते, टारगेट लगा के जीटीटी पे छोड़ दिए, जब आएगा प्राइस तब सेल हो जाएगा। यहाँ पे 28 डेज है, 9% गेन, 8.95, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार आता जाएगा, हम लोग बार बार ट्रेड लेते जाएंगे, बार बार पैसे कमाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1.5 मंथ से 45 डेज है, 36 डेज दिखा रहा है, तो यहाँ पे छुट्टी भी आएगा, तो इसीलिए 45 डेज मान के चलिए। यहाँ पे 15 डेज मान के चलिए, यहाँ पे 1 मंथ मान के चलिए। टोटल यहाँ पे हर एक बार हमारे को 9% का गेन मिला है, ठीक है। ब्रोकरेज अगर निकल भी जाएगा तो 8% गेन मिलेगा, 8.5% गेन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हम कभी भी पैसे कमा नहीं सकते हैं। हमारे लिए डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जब तक प्राइस नहीं आएगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, जब तक टारगेट पे नहीं जाएंगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे, जब तक अगेन प्राइस में नहीं आएगा तब तक बाय नहीं करेंगे, जब तक वहाँ पे टारगेट हिट नहीं होगा तब तक सेल नहीं करेंगे। सब जीटीटी ऑर्डर लगा के रखेंगे, जीटीटी ऑर्डर में बाय होगा सेल होगा, अकाउंट में पैसे रहना मांगता है, बस इतना ही है, ठीक है। वेरी सिंपल है, लेकिन इसके साथ में हमें बाकी सारा चीज़ भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे जब अकाउंट में आ जाता है तब फिर बिहेवियर भी बहुत चेंज हो जाता है। तो बिहेवियर भी हमें कंट्रोल करके रखना है, पैसे के साथ में बिहेवियर भी कंट्रोल करना है, और बाकी सबका भला ही सोचना है। किसी का बुरा ही सोचेंगे तो हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी हमारा हाथ से निकल जाएगा। जिस टाइम पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा हो सकता है उस टाइम पर हमारे अकाउंट में पैसे ना हो। तो इसीलिए किसी का बुरा ही नहीं सोचना है, सबका भला ही सोचना है, दूसरे की मदद करना है। तो
तो ये जब करते रहेंगे तो हमारे को हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलता जाएगा, हम पैसे कमाते रहेंगे। वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और खुद कमाएंगे। अगर मेहनत नहीं कर सकते हैं तो FD बेटर है, 6% एनुअली 6% इनकम करेंगे। अगर आपको 30% इनकम करना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पर डे हाफ एन आवर टाइम देना पड़ेगा चार्ट पैटर्न चेक करने के लिए। अगर पर डे नहीं दे सकते हैं तो वीकली हमें संडे को कम से कम 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स देना ही पड़ेगा ताकि हम इनकम कर सकते हैं। अगर पैसे इनकम करना है, अगर हमें स्टडी भी नहीं करना है, चार्ट पैटर्न सर्च नहीं करना है, तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा और एक जाएंगे, सेम पैटर्न चेक करेंगे कैसे काम करता है। यहाँ पे देखेंगे बर्जर पेंट, ये जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी मैं गेन ले चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा अकाउंट में ये गेन आ चुका है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्जर पेंट में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे इंतज़ार किए, यहाँ पे फॉल आया, फॉल आया, तो यहाँ पे फॉल आ गया था। तो पहला फॉल में हमें कभी भी नहीं लेना है, सेकेंड फॉल जब आएगा तब लेना है। तो यहाँ पे फॉल आ गया, फॉल आने के बाद में हम लोग यहाँ पे इंतज़ार किए, तो हम लोग यहाँ पे इंतज़ार किए, तो यहाँ पे जो वीक्स लाइन है, वीक्स लाइन पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर जाएंगे, लेफ्ट साइड में लाइंस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे होराइजेंटल लाइन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जो लोअर प्राइस है, लोअर प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद में जहाँ पे जा रहा है तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पे आएगा नीचे डाउन ट्रेड में, वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे टॉप लाइन में भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे पूरा वीक्स तक लेके जाएंगे। टॉप लाइन का जो वीक्स है, वीक्स तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो वीक्स से यहाँ पे हमने सपोर्ट मार्क कर लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मार्क कर लिया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाय कर लिए हैं। ठीक है, GTT के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉअर में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, और थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि नीचे डाउन में पूरा विक्स तक लेना है। तो अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया, तो हम टारगेट सेट करके रखे हैं, तो वहाँ तक जाएगा, हम टारगेट सेट करके रखे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे हमने यहाँ से बाय किए, यहाँ पे सेल किए। उसके बाद में फिर एक अपॉर्चुनिटी आया यहाँ पे, यहाँ पे हमने बाय कर लिया यहाँ पे। तो ये जो बाय हमने किया, यहाँ पे सेल हो गया, 12 डेज में हमारे को 12% गेन मिल गया। तो उसके बाद में यहाँ पे हमने बाय कर लिया होते, उसके बाद में फिर मार्केट नीचे गया 3%, तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। 3% नीचे जाएगा तब भी हम होल्ड करेंगे क्योंकि हमने ग्रेट कंपनी में बिजनेस ये कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 82 कैंडल है, 13% गेन है। तो अगर 82 कैंडल तक होल्ड किए तो 13% में गेन आया, तो यहाँ पे 15 डेज में 13% गेन आया। तो टोटल हमारे को 4 मंथ्स हुआ, 4 मंथ्स में 25% गेन है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा, खुद को मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, और एक कंपनी लेना चाहूँगा आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे TCS है, TCS में मैंने बहुत बार ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पैसे कमाया है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी। यहाँ पे पिछले साल जब चल रहा था TCS को, मैंने जब मार किया यहाँ पे आता था, हमेशा रेजिस्टेंस लेता था, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया था यहाँ पे, ये जो विक्स के पास में। तो यहाँ पे पहले जब मार्क आया था, यहाँ पे मैं विक्स को मार्क कर लिया था, और उसका जब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस भी मार्क कर लिया था यहाँ पे। तो इसी हिसाब से जब रेजिस्टेंस भी मैंने मार्क कर लिया था, उस हिसाब से जब स्टॉक इधर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बाई कर लिया। यहाँ पे जब आया तो यहाँ से मैंने जब मार्क किया, तो यहीं पे मैंने बाई कर लिया।
तो बाय करने के बाद में मेरा टारगेट ये था 38 days 9% गेन, 1.5 months 9% गेन। यहाँ पे फिर मैंने जीटीडी लगा के रखा, फिर डाउन में आया, फिर आने के बाद में मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसके बाद नीचे चला गया 3%। मेरे को कोई मुश्किल नहीं, मैंने टारगेट के लिए इंतज़ार किया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे सेल किया, 46 days 9% गेन। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ले लिया, लेकिन उसके बाद में कोरोना आ गया, तो सेल मेरे को करने के लिए बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने बाई कर लिया, उसके बाद में कोरोना आया, फिर उसके बाद में रखा, फिर 155 days में 9% गेन मिला। मार्केट जब भी नीचे गया फिर भी मैं सेल नहीं किया, मेरे पास में फंड था तो मैंने और भी ऐड कर लिया, मेरे पास में फंड था मैंने और ऐड कर लिया, यहाँ पे डाउन पे एवरेज किया, एवरेज करने के बाद में फिर जब यहाँ पे गया पूरा सेल कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी बार बार आते जाएगा, बार बार आते जाएगा और बार बार आप कमाते जाएंगे। अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में जाइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जब जाएंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा एक चार्ट पैटर्न बनाता रहता है। देखिए आप जाएंगे अभी, अभी भी एक देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है, यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे चला जाता है। अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया होता तो अभी 59 days में 7% गेन ले लिया होता, तो अभी फिर आ रहा है, फिर यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो 45 days में 8% का गेन ले लेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। ग्रेट कंपनी में हमें स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसे बाकी कंपनी में नहीं करना है। क्योंकि अभी मैं आपको दूसरा कंपनी में बताऊंगा, आइडिया वोडाफोन, वोडाफोन में जाएंगे, लेकिन ये कंपनी में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा पैरामीटर बिल्कुल भी सेट नहीं बैठता है, लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें कभी भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको बोलता हूँ ये कंपनी में कभी भी ट्रेड नहीं करने का, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। देखिए ये ब्यूटीफुल है, किस यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। तो यहाँ पे जिसने इन्वेस्ट किया होता, यहाँ पे सेल किया होता, 45 days 57% गेन। अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया होता, यहाँ पे जाके सेल किया होता, 95 days 56% गेन। अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी अगर किसी ने बाई कर लिया होता तो अभी उसने 34% तक ऊपर गया था, अभी भी है उसी लेवल पे जा रहा है। अभी भी अगर कोई बाय करेगा तब भी वहाँ तक का टारगेट ले सकता है, लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा ये कंपनी में कभी भी बाय नहीं करने का। जब तक आपका पैरामीटर सेट नहीं होता है कभी भी आपको कोई कंपनी में बाय सेल नहीं कर। बाकी आप खुद रिसर्च कीजिए, अपना बेस पे ट्रेड लीजिए, ये मेरा सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है। कभी भी मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि इस कंपनी में बाय करो सेल करो, कोई भी एग्जांपल दिया ये ट्रेड करने के लिए नहीं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको थोड़ा सिखाने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके दोस्त लोग के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।